हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा फर्स्ट लॉ का पार्ट था, दैट इज फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज सिस्टम, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लॉ फॉर ओपन सिस्टम। ओके, तो सर जी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसमें सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस, दिस इज द सिस्टम बाउंड्री। सो सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस जब मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होता है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। सो देयर विल बी मास इन, मास आउट, सेम एनर्जी इन, एनर्जी आउट। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी यहां पर मास इंटरेक्शन भी हो रहा है और एनर्जी इंटरेक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को मैं बोलूंगा ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। ठीक है, सो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, मास यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर जो सिस्टम के अंदर आया एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर जो सिस्टम से बाहर निकल गया। सिमिलरली कुछ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अंदर आए सिस्टम के, कुछ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी सिस्टम से बाहर चली गई। अब अगर मैं इसका टाइम रेट देखूं, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से ये अंदर बाहर आ रहे हैं, तो उसको मैं बोलूंगा मास फ्लो रेट एंड एनर्जी ट्रांसफर रेट, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ओके, तो दो टर्म मिलेंगे हमको, रेट ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड रेट ऑफ मास ट्रांसफर। ठीक है, और विच इज नोन एज रेट ऑफ मास फ्लो। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम इन दो टर्म को डिस्कस करेंगे, दैट इज मास फ्लो रेट, ठीक है, एंड दी रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ एक्चुअली में क्या होता है फॉर एन ओपन सिस्टम। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट लॉ फॉर एन ओपन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जिसका डेरिवेशन हम आज करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं मास फ्लो रेट। सो मास फ्लो रेट को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ मास flowing through a section per unit time, किसी particular section से unit time में flow होने वाला mass is known as the mass flow rate. एक second में किसी section से जितना mass flow होता है, that is known as the mass flow rate. Okay? So यहां पर मैं एक कोई बहुत बड़ा surface consider करता हूं, ठीक है, दिस इज अ वेरी लार्ज सर्फेस। इसमें मैं कोई एलिमेंटल एरिया लेता हूं डी ए। ओके, डी ए, नाउ मास फ्लो रेट की बात करता हूं मैं यहां से। अब देखिए, यहां पर मैं अज्यूम करता हूं कि जो फ्लूड है, जो भी इसके अंदर सब्सटेंस है, वो इससे बाहर आ रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो दिस इज वेलोसिटी वी। ओके, एंड इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्फेस, ओके, सो दिस इज थीटा। तो सरफेस के किसी इंक्लिनेशन पे आपका जो फ्लूड है वो वी वेलोसिटी से बाहर की तरफ आ रहा है। नाउ आई कैन सी ये जो वेलोसिटी है, एज दिस इज इंक्लाइंड विद द सरफेस डी ए, सो यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए। वन विल बी द टेंजेंशियल कंपोनेंट, दैट इज वी टी, वी टी इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड सिमिलरली सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में होगा वी एन, दैट इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और नॉर्मल कंपोनेंट of velocity, or I can say velocity in normal direction, velocity in normal direction. So what will be mass flow rate? So mass flow rate जब हम लोग निकालते हैं, तो इस केस में हम लोग निकलेंगे dm, that is the mass flowing through the elemental area will be equal to the density of fluid into the normal velocity और वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन इनटू डीए। ओके, सो हियर यहां जो मास होता है, मास फ्लो रेट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये हमको याद रखना है। मास फ्लो रेट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, यानी कि सिंपली अगर मैं इसको बोलूं के डी एम का इंटीग्रेशन अगर मैं ऐसे लिखूं m1 to m2, तो ऐसा रॉन्ग होगा, क्योंकि जो मास है दैट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, दैट इज बेसिकली मास इज अ पाथ फंक्शन। सो यहां पर हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है दैट
जो हमारी वर्क ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर है, एज वेल एज जो मास ट्रांसफर है। ठीक है, नाम भी आपको नहीं भूलना है, दिमाग में फिट करना है, वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर, ये तीनों जो हैं दे आर इनएक्जैक्ट डिफरेंशियल्स एंड दे आर पाथ फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है आपको यहाँ पर। ओके, सो अब मुझे अगर पूरे सरफेस के लिए, इस पूरे सरफेस से जितना मास फ्लो रेट हो रहा है वो मुझे निकालना है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। सो इंटीग्रेटिंग डी एम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो वी एन इंटू डी ए। ओके, सो दिस विल गिव मी द मास फ्लो रेट। सो मास फ्लो रेट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू वी एन इंटू डी ए। ओके, ये होगा। अब यहां पर ये जो मैंने रिलेशनशिप लिखी है, दिस इज वैलिड फॉर इनकंप्रेसिबल एज वेल एज कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। सो चाहे आपका सब्सटेंस कंप्रेसिबल हो चाहे इनकंप्रेसिबल हो, ये जो मैंने रिलेशनशिप लिखी है वो वैलिड होगी। तो यहां पर जो मास है, ठीक है, दैट इज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो मास और रेट जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम डॉट से। ओके, एम डॉट से हम मास और रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब यहां पर एक चीज का हम लोग को ख्याल रखना है कि ये जो वी एन है दैट इज द वेलोसिटी नॉर्मल टू द सरफेस। वी एन इज द वेलोसिटी, वी एन इज द वेलोसिटी नॉर्मल टू द सेक्शन, और वी कैन से प्लेन, नॉर्मल टू द सेक्शन। नाउ जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं किसी पाइप फ्लो का। ओके, पाइप फ्लो की बात करते हैं हम लोग। तो पाइप फ्लो में मैं जानता हूं अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो फ्लूड पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस से स्टिक हो जाते हैं, दैट्स वाई यहां पर जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो। ओके, सो जो पाइप वॉल है उस जगह पर वेलोसिटी जीरो होती है, एंड जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ प्रोसीड करते हैं हम देखते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो अब अगर मैं यहाँ पर कोई सेक्शन ड्रॉ करूँ, ये कोई मैंने सेक्शन ड्रॉ किया यहाँ पर, तो इस सेक्शन के अलॉन्ग अगर मैं वेलोसिटी देखूँ, नॉर्मल वेलोसिटी वी एन की बात करूँ अगर, तो वी एन जो है दैट इज द वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस सेक्शन इज चेंजिंग, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। ओके, आई कैन सी। सो एक मैं जानता हूँ इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनेगा, सरफेस पे जीरो, सेंटर एक्सिस पे मैक्सिमम, देन वापस वॉल पे जीरो। सो दिस इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मैं देख सकता हूं जो वी एन है, वी एन इज नॉट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सेक्शन, वी एन इज नॉट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सेक्शन। पूरे सेक्शन में इसकी वैल्यू अलग अलग है, हर एक लोकेशन पे जो वी एन की वैल्यू है वो अलग अलग है। तो क्या करते हैं इस केस में, इस केस में मैं ले सकता हूं इसका एवरेज, यानी कि एवरेज वैल्यू जो होगी दैट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूड एट दिस सेक्शन विल बी सेम फॉर एवरी लोकेशन। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकालूंगा, सो आई विल टेक एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ नॉर्मल वेलोसिटी। सो वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी एट एनी सेक्शन विल बी रिटन एज 1/a इंटीग्रेशन ऑफ वी एन इंटू डी ए। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर मुझे यहाँ पर नॉर्मल वेलोसिटी दैट इज दी वेलोसिटी नॉर्मल टू एनी सेक्शन, अगर मुझे इसका वेरिएशन मालूम है विथ रिस्पेक्ट टू डी ए, डी ए इज दी एरिया, कि यहाँ पर एरिया कैसे लिया जा सकता है, इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूँ, इस पाइप की बात करूँ, तो किसी भी लोकेशन पर मैं एक एलिमेंटल एरिया ले सकता हूँ। ओके, सो दिस विल बी डी ए। सो अगर एरिया के रिस्पेक्ट में मुझे अगर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो मैं किसी भी पर्टिकुलर फ्लो के लिए जो एवरेज वेलोसिटी वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ एरिया को मैं चाहूँ अगर, तो उस केस में उसको रेडियस के टर्म्स में भी मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो एवरेज वेलोसिटी के थ्रू अगर मैं मास तो रेट निकालता हूँ, दैट इज एम डॉट अगर कैलकुलेट करता हूँ, तो इस रिलेशनशिप से मुझे जितना मास फ्लो रेट मिल रहा है उतना ही मास फ्लो रेट मुझे तब मिलेगा जब मैं इस वैल्यू को लूंगा। सो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में मास फ्लो रेट लिखूँ, दैट इज मास फ्लो रेट इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मास फ्लो रेट इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी रिटन एज रो ए इंटू वी एवरेज। ठीक है, रो ए इंटू वी एवरेज, वी एवरेज को मैं चाहूं तो वी भी लिख सकता हूं सिंपली, वी इक्वल टू वी एवरेज। ठीक है, ताकि
कन्वीनियंट रहे थोड़ा इसको, इस एक्सप्रेशन को लिखना। तो जो भी अभी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। स्पेशली जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है। सो मास फ्लो रेट जब मैं इस तरह से लिखता हूँ, दैट इज एम इक्वल टू रो ए वी, तो यहाँ पर जो वी होता है दैट इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी की वो वैल्यू है फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन, जिस वैल्यू को पुट करके अगर मैं मास फ्लो रेट कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे एक्चुअल मास फ्लो रेट के इक्वल ही वैल्यू मिलती है। यानी कि ये इक्वेशन से जो आंसर आएगा और ये इक्वेशन से जो आंसर आएगा दैट इज आइडेंटिकल, ठीक है। हमको हमेशा याद रखना है मास फ्लो रेट को हमको एम डॉट से शो करना है, एक इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको। साथ ही साथ जब मास फ्लो रेट की यूनिट की बात करता हूँ तो मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है दैट इज मास फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मास के यूनिट होते हैं केजी एंड पर यूनिट टाइम दैट इज सेकंड। सो केजी पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मास फ्लो रेट, ओके। सो दिस वाज अबाउट मास फ्लो रेट। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम लोग किसी ओपन सिस्टम को स्टडी करते हैं, यानी कि सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस जब मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा होता है, उस केस में हम लोग सिस्टम को, ठीक है, एज अ कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम में अप्रोच लगाया जाता है सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, ना कि कंट्रोल मास सिस्टम। कारण यह है कि जो मास है वो ट्रांसफर हो रहा है अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। एंड किसी पर्टिकुलर मास को फोकस करना और उस पर हम लोग थ्रू आउट उसको स्टडी करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके। बट किसी स्पेस में किसी रीजन को सेलेक्ट कर लेना और उस पर्टिकुलर रीजन को एनालिसिस करना आसान होगा अगर आपका जो सब्सटेंस है वो फ्लो हो रहा है, ओके। तो ये जो अप्रोच है दैट इज द कंट्रोल मास अप्रोच इज सेम एज द लैग्रेंजियन अप्रोच ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। लैग्रेंजियन अप्रोच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या किया जाता है, वहां भी यही किया जाता है कि हम स्पेस में किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड को फोकस करते हैं, उस पर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन थ्रू आउट द फ्लो उस पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल की मोशन को हम स्टडी करते हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टिल द एंड, ओके। बट इसके अपोजिट जो ऑयलरियन अप्रोच होता है उसमें हम स्पेस में कोई फिक्स पॉइंट लेते हैं, कोई फिक्स सेक्शन लेते हैं और उसके अक्रॉस जो फ्लूइड पार्टिकल्स जा रहे हैं उसकी उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे कितनी वेलोसिटी थी, कितनी एक्सेलरेशन थी, ये हम उसकी डिस्कशन करते हैं, इसकी स्टडी हम करते हैं, ओके। सो यहाँ पर हमको याद रखना है कि जो कंट्रोल मास अप्रोच है, कंट्रोल मास अप्रोच ये है आपका बेसिकली क्लोज सिस्टम के लिए अच्छा है। ये अप्रोच हम चाहें तो ओपन सिस्टम में भी लगा सकते हैं, यहाँ कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि ये इसी के लिए यूज़ करना है। बट कन्वीनियंस की बात करें अगर, तो कंट्रोल मास अप्रोच किसी क्लोज सिस्टम में लगाने से हमको स्टडी करने में आसानी होती है, ओके। सो इसको क्लोज सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। देन कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच, कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच ये यूज़ किया जाता है ओपन सिस्टम के लिए। और अगर मैं बोलूं कि ये जो कंट्रोल मास सिस्टम है दिस इज एनालॉगस टू द लैग्रेंजियन अप्रोच, एंड जो आपका कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच है दैट इज एनालॉगस टू ऑयलरियन अप्रोच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ओपन सिस्टम जो है, ठीक है, उसमें सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस जो मास इंटरेक्शन है वो होता है। तो किसी भी ओपन सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम उस ओपन सिस्टम में हमेशा एक कंट्रोल वॉल्यूम लेंगे या उस ओपन सिस्टम को एज अ कंट्रोल वॉल्यूम मान करके चलेंगे। कंट्रोल वॉल्यूम जिन सर्फेसेस से मिलकर के बना होता है वो सर्फेस इमेजिनरी भी हो सकती है, वो सर्फेसेस रियल भी हो सकती हैं, और उन सर्फेसेस को हम बोलते हैं कंट्रोल सर्फेसेस, कंट्रोल सर्फेस, ठीक है। सो अब हम जानते हैं इसमें इस कंट्रोल वॉल्यूम के अक्रॉस जो है वो मास का ट्रांसफर हो रहा है। अब इस मास ट्रांसफर को स्टडी करने के लिए हमको पढ़ना जरूरी है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत हेल्पफुल टूल है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी ओपन सिस्टम में जो मास फ्लो रेट्स हैं उसकी स्टडी करते हैं, ओके। सो हम जानते हैं व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल ये कहता है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल है इसका जो स्टेटमेंट है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जैसा ही है, ओके। अब इसको समझते हैं, सिंपल एग्जाम्पल की बात करता हूँ अगर मैं, तो जैसे कि
जब हम किसी वेसल में वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, लेट अस टेक 1 kg ऑफ वाटर और उसको हम किसी वेसल में गर्म करते हैं, तो देखते हैं हम कि वाटर का फेज चेंज होता है और वो गैस फेज में चला जाता है। कुछ देर बाद हो सकता है कि जो वेसल है वो एम्प्टी हो जाए, ठीक है, उसमें कोई भी वाटर ना बचे, कोई भी लिक्विड वहाँ पर आपका ना बचे। तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में क्या 1 kg ऑफ वाटर डिस्ट्रॉय हुआ? बिल्कुल नहीं। जो 1 kg है वो 1 kg अभी भी एग्जिस्टिंग है, बस उसका जो फेस है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो लिक्विड स्टेट से चले गया है गैस स्टेट में। ओके, सो यहाँ एक सिंपल एग्जांपल है, मैंने 1 kg ऑफ वाटर को कन्वर्ट कर दिया 1 kg ऑफ स्टीम में, 1 kg ऑफ वेपर में। ओके, तो मास जो है वो अभी भी कंजर्वड है, मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, हाँ फेस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ मास को मैं मैथमेटिकली कैसे समझता हूँ, अगर मैं कोई कंट्रोल वॉल्यूम लेता हूँ, ठीक है, अब मैं देखता हूं यहां पर सर्टेन मास इंटर कर रहा है एम इन एंड सर्टेन मास यहां पर बाहर निकल रहा है, दैट इज एम आउट। ओके, नाउ मैं अगर देख रहा हूं ऐसा कुछ हो रहा है कि जितना मास आया उतना मास बाहर नहीं गया, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि एम इन इज ग्रेटर देन एम आउट। अगर ऐसा हो जाए तो क्या इसका मतलब यह है कि जो मास है वो डिस्ट्रॉय हुआ? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि ये एक वायलेशन होगा कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल का। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब इसके सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस जब मास इंटरेक्शन हो रहा है, उस केस में सिस्टम के अंदर जो मास है वो जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, संचित हो रहा है। सो दिस विल बी मास एक्यूमुलेटेड इनसाइड द सिस्टम। सो यहां से लिख सकता हूं एम इन माइनस एम आउट इज इक्वल टू डेल एम सी वी, दैट इज डेल। डेल का मतलब ये है, ये जो इन दोनों के डिफरेंस है उसके इक्वल का मास यहां पर जमा हो गया, ये माना जा रहा है। क्योंकि मास जो है वो डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये है कि जो कमी आ रही है बाहर जाने वाले मास में, उसका मतलब ये है कि कुछ हिस्सा जो हमने सप्लाई किया था उसका कुछ हिस्सा सिस्टम के अंदर ही जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। सो अब जब मैं इसका टाइम रेट कैलकुलेट करता, मतलब समय के साथ साथ अगर ये एनालिसिस मैंने किया किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, सो आई कैन कैलकुलेट द टाइम रेट, इन टर्म्स ऑफ टाइम रेट मैं इसको लिख सकता हूँ एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट इज इक्वल टू डी एम बाई डी टाउ, वेयर डी टाउ इज द टाइम इंटरवेल, इज द टाइम इंटरवेल। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ मास फ्लो रेट्स मैं लिख सकता हूं मास फ्लो रेट ऑफ इनकमिंग फ्लूड माइनस मास फ्लो रेट ऑफ आउटगोइंग फ्लूड इज इक्वल टू रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन। दिस इज द रेट ऑफ, दिस वॉज द मास एक्यूमुलेशन एंड दिस इज द रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन। सो dm by d tau is the rate of mass accumulation. So अब सेम जो हमने प्रिंसिपल देखा इसको स्टडी करते हैं फॉर स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो क्या होता है? स्टडी फ्लो वो है जिसमें जो फ्लूड का जो वेलोसिटी है दैट डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्टडी फ्लो। तो अगर फ्लूड की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, तो अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन से अगर होने वाले मैं मास फ्लो रेट की बात करूं, सो मास फ्लो रेट विल बी कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यानी कि अगर स्टडी फ्लो की बात है तो किसी पर्टिकुलर सिस्टम में जो मास आ रहा है दैट इज मास फ्लो रेट इनकमिंग एंड मास फ्लो रेट ऑफ आउटगोइंग फ्लूड विल बी कॉन्स्टेंट, विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो हमने देखा, ये वाला जो हमने रिलेशन देखा दैट इज मास रेट ऑफ इनकमिंग फ्लूड माइनस मास फ्लो रेट ऑफ आउटगोइंग फ्लूड इज इक्वल टू रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मास इनसाइड द सिस्टम। तो क्योंकि अब ये जो है ये दोनों कॉन्स्टेंट है, मतलब जो मास जो डी एम बाई डी टाउ होगा dm by d tau, that is rate of accumulation, that will be zero. क्यों? क्योंकि यहां पर जब constant rate maintain किया गया है, उस case में system के अंदर जो mass accumulated है उसकी quantity, यानी कि system के अंदर जो fluid है उसकी quantity time के respect में change नहीं होगी। यानी कि when there is a steady flow, mcv, that is mass accumulated inside the system, will be constant. ओके, सो डी एम बाई डी टाउ विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो फॉर स्टडी फ्लो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास दैट
एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट विल बी इक्वल टू जीरो, और आई कैन से एम डॉट इन माइनस सॉरी एम डॉट इन इक्वल टू एम डॉट आउट, यानी कि जितना फ्लूड सिस्टम के अंदर आएगा, जितना सब्सटेंस सिस्टम के अंदर आ रहा है उतना ही सब्सटेंस सिस्टम से बाहर भी जा रहा है, यानी कि मास फ्लो रेट जो है वो कॉन्स्टेंट है. सो दिस इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर स्टेडी फ्लो. स्टेडी फ्लो, सो यहां से मैं लिख सकता हूं एम डॉट इन यानी कि रो ए वन वी वन विल बी इक्वल टू रो ए टू वी टू. ओके, सो दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन. वी आर गेटिंग अ कंटिन्यूटी इक्वेशन आउट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल. सो दिस इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन. कंटिन्यूटी इक्वेशन. अब ये जो रिलेशनशिप हमको मिला है, ये रिलेशनशिप किसी कंप्रेसिबल या फिर इनकंप्रेसिबल फ्लूड दोनों के लिए वैलिड है. दिस इज वैलिड फॉर कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकंप्रेसिबल फ्लूड. दिस इज वैलिड फॉर कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकंप्रेसिबल फ्लूड. सो हमने जो देखा दैट इज एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट इज इक्वल टू डी एम बाई डी टाउ. ओके, सो दिस इज नोन एज मास बैलेंस. मास बैलेंस. ओके, और अगर ये हो रहा है ठीक है, तो इस केस में जो फ्लो होगा वो होगा अनस्टडी. ठीक है, अनस्टडी. सिमिलरली अगर आपका फ्लो स्टडी है तो उस केस में जो डी एम बाई डी टाउ का टर्म है वो जीरो हो जाता है. सो एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट इज इक्वल टू जीरो, और आई कैन राइट एम डॉट इन इक्वल टू एम डॉट आउट. दिस इज ट्रू फॉर अ स्टडी फ्लो. दिस इज फॉर अ स्टडी फ्लो. ओके, सो नाउ वी विल सी फ्लो वर्क. फ्लो वर्क, तो फ्लो वर्क को समझने के लिए मैं कंसिडर करता हूं एक पैसेज. ठीक है, पैसेज में मैं एक फ्लूड एलिमेंट कंसिडर करता हूं. इस फ्लूड एलिमेंट पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज यूनिफॉर्म, एंड इसकी वैल्यू जो है दैट इज पी. ए जो है वो है एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, और वी कैन सी एरिया ऑफ फ्लो दैट इज एरिया ऑफ एलिमेंट. एरिया ऑफ एलिमेंट परपेंडिकुलर टू द प्रेशर, जो जिस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया है. ओके, देन प्रेशर लगने पर ये जो एलिमेंट है ये एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लेट अस से एल. ठीक है, सो प्रेशर लगने पर इस एलिमेंट पे फोर्स आया कुछ, और वो फोर्स ने इस एलिमेंट को एल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर दिया. तो मैं जानता हूं वर्क इज इक्वल टू दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क होता है. फोर्स यहां से हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया. दिस विल बी दी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो रहा है एल. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सी एरिया इनटू लेंथ. एरिया इनटू लेंथ गिव्स अस दी वॉल्यूम. ओके, सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लो वर्क. दिस इज फॉर्मूला ऑफ फ्लो वर्क. एंड व्हाट इज फ्लो वर्क? फ्लो वर्क इज द वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फ्लो. फ्लो वर्क इज द वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो. ओके, सो दिस इज नोन एज फ्लो वर्क. नाउ वी विल सी टोटल एनर्जी. दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. मैं जानता हूं इसको हम इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ई इज इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. ठीक है, अब देखिए यहां जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी में जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो के ई एंड पी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्लूडेड होता है. ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी में के ई एंड पी ई एंड ऑल अदर इंटरमॉलिकुलर एनर्जीज आर इंक्लूडेड. एंड अदर मॉलिक्यूलर एनर्जीज
सभी को सम करने पे उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, सिस्टम की अगर हमको वेलोसिटी मालूम है, उसका मास कंटेंट मालूम है, तो हम उस केस में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एल्टीट्यूड मालूम है तो उस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, सो इंटरनल एनर्जी को मैं लिखता हूँ कैपिटल यू से डिनोट करता हूँ। ठीक है, सो ये हो जाएगा कैपिटल यू दैट इज इंटरनल एनर्जी प्लस के ई, के ई दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज एम एम इंटू जी इंटू जेड, वेयर जो जेड है, जेड इज द एल्टीट्यूड। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक टोटल एनर्जी। स्पेसिफिक टोटल एनर्जी यानी कि जब मैं इस टोटल एनर्जी को पर यूनिट मास के लिए लिखूंगा तो वो बन जाएगी स्पेसिफिक टोटल एनर्जी। तो मैं यहाँ पर पूरे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड को मास से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल ई दैट इज टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, तो किलो जूल पर केजी और आई कैन से जूल्स पर केजी। ठीक है, विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी स्मॉल यू प्लस ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर में से एम कैंसल सो वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड। ओके, सो ई इक्वल टू यू प्लस वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड, दिस इज द स्पेसिफिक टोटल एनर्जी। नाउ वी विल सी एनर्जी बैलेंस जिसके थ्रू हमको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। सो अब देखते हैं एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस देखने के लिए मैं कंसिडर करता हूँ एक ओपन सिस्टम। ठीक है, ये ओपन सिस्टम की बाउंड्री है और मैं ओपन सिस्टम को लेकर चलूंगा एज अ कंट्रोल वॉल्यूम। सो इस कंट्रोल वॉल्यूम में जो एनर्जी आ रही है दैट इज एनर्जी इन अ गिवन टाइम इंटरवल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई इन। ओके, एंड जो एनर्जी बाहर जा रही है इन अ गिवन टाइम इंटरवल दैट इज रिटन एज ई आउट। ओके, सो अगर यहाँ पर मैं ये ऑब्जर्व करूँ कि ई इन बड़ा है ई आउट से, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड इट्स नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम में कलेक्ट हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है। सो आई कैन राइट ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल ई सी वी, दैट इज एनर्जी कमिंग टू द सिस्टम एंड एनर्जी गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, इनका जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन साइड द कंट्रोल वॉल्यूम, एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, नाउ इन टाइम रेट फॉर्म में अगर इसको लिखूं तो मुझे एनर्जी का ट्रांसफर रेट मिल जाएगा। टाइम रेट फॉर्म में अगर लिखूं तो दिस विल बी ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट इज इक्वल टू डेल ई बाई डेल टाउ, दैट इज रेट ऑफ एनर्जी इंटरिंग द सिस्टम माइनस रेट ऑफ एनर्जी लीविंग द सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन इनसाइड द सिस्टम और इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज नोन एज द एनर्जी बैलेंस, दिस इज नोन एज एनर्जी बैलेंस। ओके, नाउ अगर हमारा सिस्टम स्टडी सिस्टम स्टडी स्टेट में स्टडी फ्लो हो रहा है, सो फॉर स्टडी फ्लो जो एक्यूमुलेशन एनर्जी का दैट इज डेल ई सी वी, दिस बिकम्स कॉन्स्टेंट। ओके, दिस बिकम्स कॉन्स्टेंट। ओके, सो डी ई बाई डी टाउ दैट इज रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ई सी वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू जीरो। सो फॉर स्टडी स्टेट और स्टडी फ्लो, फॉर स्टडी फ्लो आई कैन राइट ई इन माइनस ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट इक्वल टू जीरो, दैट इज ई डॉट इन विल बी इक्वल टू ई डॉट आउट, दैट इज रेट ऑफ एनर्जी इंटरिंग द सिस्टम विल बी इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी लीविंग द सिस्टम। दिस इज ट्रू फॉर अ स्टडी फ्लो, दिस इज ट्रू फॉर ओनली अ स्टडी फ्लो। सो हमने देख लिया एनर्जी बैलेंस एंड मास बैलेंस, अब हम देखते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का डेरिवेशन। ओके, सो देखते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं स्टडी फ्लो डिवाइस। स्टडी फ्लो डिवाइस होने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो मास एक्यूमुलेशन है उसका जो रेट है डैट इज डी एम बाई डी टाउ इज इक्वल टू जीरो, एंड
dE by d tau, that is the rate of energy equilibration, both are zero. ठीक है, ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना होगा. Now इस स्टडी फ्लो डिवाइस को मैं एज अ कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर कर लेता हूँ. सो ये हो गया मेरा सिस्टम विच इज अ कंट्रोल वॉल्यूम. ओके, दिस इज अ कंट्रोल वॉल्यूम. यहाँ पर अब इसका एक इनलेट है एंड एक आउटलेट है. इनलेट से जो फ्लूड आ रहा है उसका मास तो रेट है m डॉट वन, एंड जो एग्जिट से जा रहा है फ्लूड उसका मास रेट है m डॉट टू. ठीक है, जो इनलेट एंड जो आउटलेट है उनका जो एल्टीट्यूड है वो है z1 एंड z2 विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर डेटम. ठीक है, नाउ जो हीट ट्रांसफर हो रहा है अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, सो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डी क्यू बाई डी टाउ. ठीक है, नाउ अब वर्क ट्रांसफर की बात करते हैं. तो किसी भी स्टडी फ्लो सिस्टम में दो तरह के वर्क ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, दो तरह के वर्क ट्रांसफर होते हैं. फर्स्ट होता है आपका एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क. सेकेंड होता है यहां पर आपका फ्लो वर्क. सो दो तरह के आपको वर्क ट्रांसफर देखने को मिलते हैं. अब ये जो एक्सटर्नल वर्क है वो दो फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है. वन इज द शाफ्ट वर्क, शाफ्ट वर्क. जैसे कि हम टरबाइन की बात करते हैं, कंप्रेसर की बात करते हैं, तो उस केस में हमको शाफ्ट वर्क मिलता है या हम उस पर शाफ्ट वर्क करते हैं. सेकंड होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क. तो ये दो तरह के वर्क हैं जो हम एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं. सेकंड होता है फ्लो वर्क. हम जानते हैं फ्लो वर्क इज द वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो. इस स्टडी फ्लो डिवाइस में फ्लो मेंटेन करने के लिए जितना हमको वर्क देना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क होगा आपका फ्लो वर्क. ठीक है, तो ये दो तरह के वर्क इसमें है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सटर्नल वर्क यहाँ पर ले लेता हूँ. ठीक है, दिस इज अ शाफ्ट, दिस इज अ शाफ्ट, और यहाँ से जो वर्क ट्रांसफर मिल रहा है, ठीक है, दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टाउ. ओके, नाउ यहाँ पर दैट इज इनलेट पे जो प्रेशर है दैट इज पी वन, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है दैट इज वी वन. सिमिलरली एग्जिट पे जो प्रेशर है दैट इज पी टू एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वी टू. ओके, सो ये सारा मेरा एजम्पशन हो गया. अब मैं देखता हूँ यहाँ पर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का डेरिवेशन. तो यहाँ पर मैं सिस्टम में देखता हूँ जो इनलेट है वहाँ पर मैं एक एलिमेंटल मास देता हूँ डी एम वन, एंड जो एग्जिट है वहाँ पर मैं एक एलिमेंटल मास देता हूँ डी एम टू. नाउ मैं यहाँ पर देखता हूँ टोटल वर्क ट्रांसफर कितना हो रहा है, टोटल वर्क ट्रांसफर ये मैं निकालता हूँ. ठीक है, सो टोटल वर्क ट्रांसफर लेटर से W है. ठीक, सो मैं जानता हूँ यहाँ पर सिस्टम में मैंने जैसे कि बताया आपको दो तरह के वर्क इन्वॉल्व है. फर्स्ट इज द एक्सटर्नल वर्क एंड सेकंड इज द फ्लो वर्क. सो जो एक्सटर्नल वर्क है लेटर से दैट इज डब्ल्यू एक्स. ठीक है, जो हमें को मिल रहा है सिस्टम से एक्सटर्नल वर्क दैट इज डब्ल्यू एक्स. नाउ इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे मैंने जितना वर्क किया, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर था दैट वॉज पी वन, स्पेसिफिक वॉल्यूम वॉज वी वन. सो फ्लो वर्क विल बी इक्वल टू पी वन वी वन. यहाँ पर मैं जब पी वन वी वन लिखता हूँ क्योंकि वी वन स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो यहाँ पर मुझे मिलेगा वर्क डन और फ्लो वर्क. दिस पी वन वी वन विल बी इक्वल टू फ्लो वर्क पर यूनिट मास. पर यूनिट मास इसलिए क्योंकि यहाँ जो वी वन है दैट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम. ओके, सो अगर मैं फ्लो वर्क निकालना चाहूँ सो आई हैव टू मल्टीप्लाई द मास ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, इस एलिमेंट पे जितना मैं वर्क कर रहा हूँ इसको फ्लो करवाने के लिए, दैट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो विल बी इक्वल टू पी वन वी वन इंटू डी एम वन. ओके, सो दिस ये जो वर्क है ये सिस्टम में एड हो रहा है. दिस इज अवर सिस्टम बाउंड्री. ओके, तो ये हो जाएगा माइनस. सिस्टम में जो वर्क एड होता है उसको हम निगेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस पी वन वी वन डी एम वन. सिमिलरली यहाँ से जो हमको फ्लो वर्क मिलेगा वो मिलेगा पी टू वी टू इंटू डी एम टू. ओके, और ये मिल रहा है क्योंकि सिस्टम से, दैट्स व्हाई इसको लेंगे पॉजिटिव. सो दिस विल बी प्लस पी टू वी टू डी एम टू. नाउ टाइम रेट ले लेता हूँ मैं इसका, टाइम रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, तो ये जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टाउ इज इक्वल टू डी डब्ल्यू एक्स बाई डी टाउ माइनस पी वन वी वन डी एम वन बाई डी टाउ प्लस पी टू वी टू डी एम टू बाई डी टाउ. ओके, नाउ डी एम वन बाई डी टाउ इज द मास फ्लो रेट एट सेक्शन नंबर वन.
एंड डी एम टू बाई डी टाउ इज द मास फ्लो रेट एट सेक्शन नंबर टू. ये इनलेट और आउटलेट पे मास फ्लो रेट, यानी कि यही है आपका एम डॉट वन एंड दिस इज एम डॉट टू. ओके, तो लिख सकता हूं मैं यहां से डी डब्ल्यू बाई डी टाउ इज इक्वल टू डी डब्ल्यू एक्स बाई डी टाउ माइनस पी वन वी वन इंटू एम डॉट वन प्लस पी टू वी टू इंटू एम डॉट टू. ओके, यहां पर डी डब्ल्यू एक्स बाई डी टाउ ये जो है दिस इज द वर्क ट्रांसफर और रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर, रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर है विच इज नथिंग बट अ शाफ्ट वर्क. ये है हमारा शाफ्ट वर्क. तो ये जो वर्क है दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर, रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर. ओके, नाउ अगर सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मैं देख रहा हूं सिस्टम में डी क्यू बाई डी टाउ हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और सिस्टम में जितनी भी एनर्जी आ रही है इनलेट पे, लेट अस से दैट इज ई वन, स्मॉल ई वन दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी. तो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास जो है इनलेट पे दैट इज स्मॉल ई वन, एंड स्पेसिफिक एनर्जी दैट इज एनर्जी पर यूनिट मास एट द एग्जिट इज ई टू. तो मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम द एनर्जी बैलेंस आई कैन राइट एम डॉट वन इंटू ई वन प्लस एनर्जी इन दैट इज डी क्यू बाई डी टाउ इक्वल टू एम डॉट टू ई टू प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टाउ. ओके, नाउ स्पेसिफिक एनर्जी ई वन हम देखे थे यू प्लस वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड, ये होता है, ठीक है. सो इसकी वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा एम वन इंटू यू प्लस वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन. ओके, सो एम वन इंटू यू वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस डी क्यू बाई डी टाउ विल बी इक्वल टू एम टू इंटू यू टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टाउ. ओके, नाउ डी डब्ल्यू बाई डी टाउ की जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा एम डॉट वन यू वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस डी क्यू बाई डी टाउ इज इक्वल टू एम टू यू टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस डी डब्ल्यू एक्स बाई डी टाउ माइनस पी वन वी वन एम डॉट वन प्लस पी टू वी टू एम डॉट टू. ओके, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं, इनको रीअरेंज करते हैं तो इसको आगे सॉल्व करते हैं. जितने एम वन वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एम डॉट वन इंटू यू वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस पी वन वी वन प्लस डी क्यू बाई डी टाउ इज इक्वल टू एम टू इंटू यू टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस पी टू वी टू प्लस डी डब्ल्यू एक्स बाई डी टाउ. ओके, नाउ ये जो डी डब्ल्यू एक्स बाई डी टाउ है दैट इज द एक्सटर्नल वर्क. ओके, एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ये हमको नहीं भूलना है, ठीक है. दिस इज एक्सटर्नल वर्क, यानी कि ये होगा आपका या तो शाफ्ट वर्क होगा या तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, ठीक है. सो यहां पर देखते हैं अब यू वन प्लस पी वन वी वन, हम जानते हैं एंथैल्पी एच होता है यू प्लस पी वी, वेयर यू इज द इंटरनल एनर्जी एंड द पी वी इज द फ्लो वर्क. ओके, सो दिस इज स्मॉल एच दैट इज स्पेसिफिक एंथैल्पी. स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या हो जाएगा, पर के जी के लिए हो जाएगा. सो दिस विल बी एंथैल्पी पर के जी, और स्पेसिफिक एंथैल्पी विल बी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क पर यूनिट मास. ओके, तो इसको यहां पर मैं लिख सकता हूं एंथैल्पी के टर्म्स में इनको, तो ये हो जाएगा एम डॉट वन प्लस एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू प्लस जी जेड वन प्लस डी क्यू बाय डी टाउ इज इक्वल टू एम डॉट टू इंटू ये हो जाएगा एच टू प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू प्लस जी जेड टू प्लस डी डब्ल्यू एक्स बाई डी टाउ. ओके, तो यहां पर
ये जो इक्वेशन है ये आपके टाइम रेट के टर्म्स में है, ये सारे टाइम रेट के टर्म्स में है। अब देखिए, अगर स्टडी फ्लो है, फॉर स्टडी फ्लो, अगर ये फ्लो स्टडी फ्लो है, ठीक है, और जो मशीन है आपकी दैट इज अ स्टडी फ्लो डिवाइस, सो डेफिनेटली जितना फ्लूड इंटर हो रहा है सिस्टम में उतना ही फ्लूड बाहर भी निकल रहा होगा, यानी कि एम डॉट वन विल बी इक्वल टू एम डॉट टू। ओके, सो लेट अस टेक एम डॉट वन इक्वल टू एम डॉट टू इक्वल टू एम डॉट, ओके, एंड एम डॉट इज रिटन एज डी एम बाई डी टाउ। ओके, सो यहां पर हो जाएगा डी एम बाई डी टाउ इंटू एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस डी क्यू बाई डी टाउ इज इक्वल टू एम डॉट डी एम बाई डी टाउ एच टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टाउ। सारे इक्वेशन को बोथ साइड में अगर मैं डी एम बाई डी टाउ से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस ये जाएगा डी क्यू बाई डी एम इक्वल टू एच टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एम। ओके, डी डब्ल्यू बाई डी एम। सो दिस इज नोन एज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। यहां जो डी क्यू बाई डी एम है दैट इज हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास, दैट इज अगर मैं किलो जूल्स में लिख रहा हूं हीट ट्रांसफर हीट को तो जाएगा किलो जूल पर के जी। सिमिलरली जो वर्क है दैट इज ऑल्सो फॉर पर के जी। ओके, सो दिस विल बी किलो जूल पर के जी और जूल पर के जी, ठीक है, जूल पर के जी। तो दोनों तरफ मुझे डायमेंशन का ख्याल रखना, अगर मैं जूल पर के जी लिख रहा हूं तो जो एंथैल्पी है, ठीक, जो वेलोसिटी है, ठीक, एंड जो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है, सभी जो है वो किलो जूल या जूल के इक्विवेलेंट होने चाहिए। बोथ साइड में जो डायमेंशनल होमोजेनिटी है वो मुझे मेंटेन करना है। ओके, सो दिस इज नोन एज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और क्योंकि मैं इसको पर यूनिट मास के लिए लिखा है, सो दिस इज एस एफ ई ऑन मास बेसिस, दिस इज फॉर मास बेसिस, ठीक है। इसके पहले जो मैंने इक्वेशन लिखा था ये था, ये भी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का ही फॉर्म है, एंड दिस इज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन टाइम बेसिस, दिस इज एस एफ ई ई इन टाइम बेसिस, ठीक है। सो यहां पर हम लोग का जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है उसका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अब देखिए, जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो भी सिमिलरली यही कह रहा है कि जो समेशन ऑफ ऑल एनर्जीज हैं वो कॉन्स्टेंट है बेसिकली, ठीक है। इस सेक्शन में जितनी अलग एनर्जी आई है, एनर्जी जितनी इन हुई है उतनी एनर्जी बाहर गई है। फ्लूड मैकेनिक्स से अगर मैं कंपेयर करूं तो फ्लूड मैकेनिक्स में जो हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं वहां भी यही होता था, ठीक है। सो जो बर्नौलीज इक्वेशन है दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो है, बर्नौलीज इक्वेशन इज एन स्पेशल केस ऑफ एस एफ ई ई। अब यहां पर बर्नौली इक्वेशन और एस एफ ई में क्या डिफरेंस है ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, सो जो बर्नौली इक्वेशन है दैट इज ओनली ट्रू फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, ठीक है, किसी इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए बस वो वैलिड है। लेकिन जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है दैट इज वैलिड फॉर कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। ओके, सो यहां पर हमको याद रखना है कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है, बी ई मीन्स बर्नौलीज इक्वेशन, वैलिड फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड, ओके, और सब्सटेंस। लेकिन जो एस एफ ई ई है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, दैट इज वैलिड फॉर बोथ, यानी कि कंप्रेसिबल हो चाहे इनकंप्रेसिबल हो, कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है। अब जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है दैट इज द फर्स्ट लॉ फॉर एन ओपन सिस्टम। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को ही हम कहते हैं फर्स्ट लॉ फॉर एन ओपन सिस्टम, ठीक है।
तो यहाँ पर आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के एप्लीकेशंस, अलग अलग तरह की फ्लो डिवाइसेस में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ पर आज हमने देख लिया मास बैलेंस एनर्जी बैलेंस क्या होता है, ये हमको मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मास बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस का जो कंसेप्ट है वो हम लोग को जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन होंगे या जब हम कोई थर्मोडायनामिक साइकिल जब देखेंगे हम लोग, तो उस केस में वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। कैसे करेगा वो हम आगे देखेंगे जब हम थर्मोडायनामिक्स में आगे प्रोसीड करेंगे तब। आज हमने देखा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये गेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही हमने जो इसका डेरिवेशन देखा है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन मैंने जो इजिएस्ट वे पॉसिबल था उस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको जो डेरिवेशन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है आज के किसी भी टॉपिक से तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।